हे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से फायर टेक एंड सेफ्टी में। फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि किसी भी इंडस्ट्री में कार्यस्थल पर हजार्ड यानी कि खतरा हमेशा मौजूद रहता है और हजार्ड की वजह से एक्सीडेंट और प्रॉपर्टी लॉस होने का रिस्क बना रहता है। पर इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि हम काम करना छोड़ दें या काम ही ना करें। रिस्क तो रहता है काम में, पर हम उस रिस्क को कैसे कम कर सकते हैं काम के दौरान ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो। तो चलिए आगे देखते हैं कि हजार्ड और रिस्क क्या होते हैं और इनमें क्या अंतर होता है। हजार्ड, ए हजार्ड कैन कॉज हार्म और एडवर्स इफेक्ट्स टू इंडिविजुअल एज हेल्थ इफेक्ट्स और टू ऑर्गेनाइजेशन एज प्रॉपर्टी और इक्विपमेंट लॉसेस। हजार्ड एक पदार्थ, वस्तु या कोई ऐसी चीज को कहा जाता है जो ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉपर्टी और इक्विपमेंट को नुकसान पहुंचा सकता है या स्वास्थ्य पर अत्यधिक प्रभाव भी डाल सकता है। हजार्ड और हजार्ड कितने प्रकार के होते हैं उस पर कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है मैंने, राइट टॉप कॉर्नर पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगी, वहां से भी आप वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए हजार्ड के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि पहला वर्क एट हाइट, वो एक हजार्ड है। सेकेंड केमिकल, थर्ड इलेक्ट्रिसिटी, फोर्थ फॉकलिफ्ट, तो ये सब हजार्ड के एग्जाम्पल हैं। अब हम देखते हैं रिस्क क्या होता है। रिस्क इज द चांस और प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्सन विल बी हार्म्ड और एक्सपीरियंस एन एडवर्स हेल्थ इफेक्ट इफ एक्सपोज टू ए हजार्ड। इट मे ऑल्सो अप्लाई टू सिचुएशन विद प्रॉपर्टी और इक्विपमेंट लॉस। मतलब कि रिस्क एक संभावना है कि किसी खतरे के संपर्क में आने पर उस व्यक्ति को नुकसान पहुंचेगा या उसके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा। यह सिचुएशन प्रॉपर्टी और इक्विपमेंट लॉस पर भी लागू हो सकता है। हम रिस्क के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट, मे फॉल डाउन फ्रॉम हाइट, मतलब कि ऊंचाई के काम के दौरान ऊंचाई से गिरने का खतरा हमेशा बना रहता है। सेकेंड, हेल्थ इफेक्ट फ्रॉम केमिकल एक्सपोजर, मतलब कि केमिकल हैंडलिंग या केमिकल का काम करने के दौरान केमिकल से एक्सपोजर होने से हेल्थ इफेक्ट हो सकता है। थर्ड, इलेक्ट्रिक शॉक फ्रॉम इलेक्ट्रिकल वर्क, मतलब बिजली के काम के दौरान कोई बिजली का झटका लग सकता है, वो एक रिस्क बना रहता है। फोर्थ, मे गेट हिट बाय फॉकलिफ्ट, यानी कि फॉकलिफ्ट से कभी भी किसी भी प्रकार से इंजरी हो सकती है, उसका भी एक रिस्क बना रहता है वर्क प्लेस पर। आगे हम देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन रिस्क इज इक्वल टू हजार्ड इनटू एक्सपोजर, यानी कि द ग्रेटर द रिस्क द हायर द लाइक्लीहुड ऑफ एक्सीडेंट फ्रॉम दैट हजार्ड। मतलब कि जितना ज्यादा रिस्क होगा उतनी ही ज्यादा संभावना होगी एक्सीडेंट होने की उस हजार्ड से। नेक्स्ट, हजार्ड आर नॉट रिस्क देमसेल्फ बट दे क्रिएट रिस्क, मतलब कि हजार्ड खुद से रिस्क नहीं है पर वह रिस्क बना देते हैं या रिस्क क्रिएट कर देते हैं। अब हम डिफरेंसेस देखते हैं हजार्ड और रिस्क में। फर्स्ट, वर्किंग एट हाइट, ऊंचाई पे काम करना एक हजार्ड है और ऊंचाई से गिर सकता है, फॉलिंग डाउन, वो एक रिस्क है। सेकेंड, केमिकल एक हजार्ड है और उससे हेल्थ इफेक्ट एक रिस्क कहलाता है। थर्ड, इलेक्ट्रिसिटी एक हजार्ड है और उससे इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, वो एक रिस्क है। नेक्स्ट, वेट एंड स्लिपरी फ्लोर्स एक हजार्ड है और स्लिप और फॉल, उससे स्लिप होकर गिर जाना या गिर सकता है, वो एक रिस्क है। फिफ्थ, ग्राइंडिंग मशीन एक हजार्ड है और उससे कट लग सकता है, उसके व्हील से इंजरी आ सकती है, कट इंजरी, तो वो एक रिस्क है। नेक्स्ट, फॉकलिफ्ट, फॉकलिफ्ट एक हजार्ड है और उस फॉकलिफ्ट से अगर किसी प्रकार से हिट होने की संभावना हो या उससे चोट आने की संभावना हो तो वो एक तरीके से रिस्क कहलाता है। चलिए एक बार अलग तरीके से समझते हैं। वर्किंग एट हाइट एक हजार्ड है और हजार्ड क्या कहता है, हजार्ड कैन कॉज हार्म और हेल्थ इफेक्ट, बट आफ्टर नोइंग दैट ही कैन फॉल फ्रॉम हाइट बट कंटिन्यू वर्क, देन दिस इज कॉल्ड रिस्क।
देखिए, ऊंचाई पर काम करना एक हजार्ड है, ये हम जानते हैं, और हजार्ड की डेफिनेशन कहती है कि वो हमें हार्म या हेल्थ इफेक्ट पहुंचा सकता है। ये मालूम होने के बाद भी हम ऊंचाई पर काम करना कंटिन्यू रखते हैं और उस काम से गिरने की संभावना होती है, उसे हम रिस्क कहते हैं। नेक्स्ट, प्रिकॉशन फ्रॉम हजार्ड। देखिए, एक स्टेयर है और आपकी बिल्डिंग और ऑफिसेस में स्टेयर्स होती है, तो वो एक तरीके से हजार्ड है, और बट द फैक्ट यू कैन नॉट रिमूव द स्टेयर फ्रॉम बिल्डिंग। ये बात भी सही है कि आप स्टेयर को हटा नहीं सकते क्योंकि वो आपको ऊपर आने जाने के लिए आपने रखी है। द ओनली थिंग्स यू कैन डू इज मिनिमाइज द रिस्क ओनली बाई, आप रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं। कैसे? पहला, आप हैंडरेल्स प्रोवाइड कर सकते हैं। दूसरा, नॉन स्लिप थ्रेड्स, मतलब कि जो टाइल्स होती है वो नॉन स्लिप वाली हो। तीसरा, आप फ्लोर को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रख सकते हैं। चौथा, रिमूव अनवांटेड मटेरियल, मतलब कि आप जितने भी अनवांटेड या कोई जो बिना जरूरत के सामान है उसको वहां से हटा सकते हैं। पांचवा, वाई कीप इट ड्राई, मतलब हमेशा आप उसको सूखी रखे। तो इन सब तरीके से आप रिस्क को कम कर सकते हैं या मिनिमाइज कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने तक ही ना रखें, अपने फ्रेंड जोन में भी भेजें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए फायर एंड सेफ्टी से रिलेटेड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।